नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रण बांकुरे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महिला दिवस स्पेशल। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण की बात होती है। इस दिन हर महिला के सम्मान और समानता की बात की जाती है। दुनिया ने समय समय पर नारी शक्ति को देखा और समझा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इस बीच महिला दिवस को लेकर भारत की पहली फाइटर कमांडर का दर्जा प्राप्त कर इतिहास रचने वाली शालिजा धामी ने कुछ कहा। उनका कहना है कि भारतीय वायुसेना में महिला ऑफिसर पिछले 3 दशक से काम कर रही हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एयरक्राफ्ट को कोई पुरुष उड़ा रहा है या फिर कोई महिला अधिकारी। जो अपना ड्रीम अभी कर रही हैं कि उनको पायलट बनना है, मैं सिर्फ उनको ही ये संदेश नहीं देना चाहती, मैं उन लोगों के साथ एसोसिएटेड ईच एंड एवरी जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके रिलेटिव हैं, उनके दोस्त हैं, उनको भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने वो चीज़ सोचा है तो उसको आगे बढ़ाइए। डोंट होल्ड देम बैक, बिकॉज इंडिविजुअल एक हद तक वो चीज़ ना भाग सकता है उसको मिसाल को लेकर, लेकिन साथ में उनको एक क्या कहते हैं, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए जब चीज़ें ठीक नहीं होती स्पेशली तब, बहुत ज़रूरी। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलटों ने यह साबित कर दिखाया है कि महिला चाहे तो आसमान छू सकती है। इन महिलाओं का कहना है कि हर महिला को सपना देखने का पूरा हक है और उसे पूरा करने की भरसक कोशिश करनी चाहिए और आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। I belong to a very normal middle class family where we all have the dream to become doctor or engineer, and then we forget there is another place also where we can be, that is the armed forces. So I chose because I wanted to wear the uniform and I wanted to serve the nation. I believe in one thing, that the attitude makes a lot of difference. So if we all believe that we have a positive attitude, we can do anything. There is nothing negative that whoever wants to join, they are most welcome to join, because this is the one path. Everyone should think that if I take one step ahead, that step will open the ways to a new future and to a new career. And this place is the best one if anyone, any girl or any woman, they want to choose as a career. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना की 3 महिला फाइटर फ्लाइंग ऑफिसर अंजलि, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट मोहना सिंह और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने NDTV से खास बात की। इनका कहना है कि हमने पहले उड़ान के सपने देखे, यही सोचा भी था कि अब जब सपना पूरा हुआ तो बहुत संतुष्टि मिल रही है। आज महिलाएं पूरी क्षमता के साथ जिम्मेदारी निभाती हैं। वो कहती हैं कि अभी भले ही महिलाएं कॉम्बैट रोल में कम है, लेकिन ये देर से फैसला लिया गया, इसको लेकर समाज में अभी जागरूकता की कमी है। बेशक अभी वायुसेना में केवल 10 महिला पायलट हैं, पर आने वाले वक्त में ये 100 होंगी। वायुसेना में अभी 13% महिलाएं हैं, पर अब तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। फ्लाइंग ऑफिसर अंजलि सुखोई फ्लाई करती हैं तो लेफ्टिनेंट मोहना सिंह और फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंठ MiG-21 बाइसन उड़ाती हैं। ये कहती हैं कि बड़े जहाज हम अपने कंधों पर फ्लाई नहीं करते, मशीन अपना काम करती है, जो हमें सिखाया गया है हम उसी के मुताबिक काम करते हैं। वायुसेना की महिला पायलट कहती हैं कि वर्दी पहनने के बाद हमें जिम्मेदारी और ड्यूटी का एहसास है, और मौका पड़ा तो देश के लिए अपनी जान भी लगा देंगे, और यही है देश की ताकत। और वन इंडिया इस नारी शक्ति को दिल से सलाम करता है।